आज बनाएंगे आटे गुड़ का केक, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी, फूला फूला। इसमें अंडा, कंडेंस मिल्क बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये बिल्कुल देसी स्वाद वाला केक बना के आज हम रेडी करेंगे, जो बिल्कुल जालीदार बन के हमारा केक रेडी होगा। आप जितना मर्जी चाहे इसे अपने बच्चों को खिलाइए और हर रोज़ बनाइए। केक पूरी तरीके से हेल्दी और टेस्टी होने के कारण आपको भी यह केक बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुड़ का सीरप बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप गुड़ तोड़ के ले लिया है, वजन में 100 ग्राम। यहाँ पर इसमें अब हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी जलाना पड़ेगा। गुड़ गलने भर का हम पानी डालेंगे। इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। देख लिए हमारा सीरम रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। गुड़ का सीरम हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे एक बाउल में। अब हम इसको छान के साइड में रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट काट के ले लिए हैं। ये देखिए, थोड़े से बादाम मैंने बारीक काटे हैं, थोड़े से बादाम को मैंने 2 टुकड़े किए हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 छोटी चम्मच फ्रेश इलायची का दाना तरतरा कूट के ले लिया है। 1/4 छोटी चम्मच सिनेमिन पाउडर ले लिया है। 1/4 छोटी चम्मच जायफल पाउडर ले लिया है। अब इन सबको हम रख देंगे। अब यहाँ पे गुड़ का सीरम मेरा ठंडा होके एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप फ्रेश दही मिला देंगे। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। दही केक में बाइंडर का काम करेगा, केक को फुलाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। इन्हें हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटना है, जब तक अच्छे से आपस में ये मिल ना जाए। ऑयल जब तक ऊपर दिखेगा तब तक हमें फेंटना है। अब हम फेंटना बंद कर देंगे क्योंकि ऑयल अच्छे से गुड़ के सीरम में मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी ऊपर दिख नहीं रहा है। आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा है। हम इसे साइड में रख देंगे। अब बाकी का ड्राई सामान ले लेंगे हम एक बाउल में। सबसे पहले हम छन्नी रख देंगे एक, उसमें 1 कप गेहूँ का आटा ले लेंगे। एक चौथाई कप सूजी ले लेंगे। सूजी केक में थोड़ा सा क्रंच और टेस्ट लाने का काम करती है। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे। अब इन सबको अच्छे से हम छान लेंगे। ये देखिए, ड्राई सामान छान के रेडी हो गया है। यहाँ पे हम गुड़ का सीरम भी ले लेंगे और इनको पहले अच्छे से सूखे सामान को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें इसको डाल के दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इकट्ठे हम एक बार में नहीं डालेंगे, हम 2-3 बार में करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये देखिए, हमने डाल दिया अभी गुड़ का सीरम सारा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हुआ है। बैटर अभी हमें गाढ़ा लग रहा है तो अभी हम इसको पतला करेंगे। यहाँ पे 1/2 कप मैंने दूध ले लिया है और उसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे बैटर को। यहाँ पे इतना कोई नाप नहीं है कि दूध कितना लगेगा। जहाँ पर बैटर हमारा परफेक्ट हो जाए वहीं पे हम दूध डालना बंद कर देंगे, लेकिन अंदाजे से 1/2 कप से ज़्यादा दूध यहाँ पे नहीं लगेगा। ये देखिए,
कि अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठा दूध हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा एक बार पतला हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रहे हैं और बैटर को मिक्स करते जा रहे हैं। ये देखिए, जब तक बैटर की रिबन जैसी कंसिस्टेंसी ना हो जाए तब तक आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाते रहिए। ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। इसकी भी बिल्कुल रिबन जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। दूध इसमें 2 चम्मच बच गया है, आपको चम्मच वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है। अब इसमें कटे हुए बादाम हम डाल देंगे, अखरोट जो भी काट के रखे थे सब डाल देंगे। थोड़े से बादाम हमने बचा लिए ऊपर सजाने के लिए केक को, इनको हम मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पे हम जो जायफल पाउडर लिए थे, इलायची पाउडर लिए थे, सिनेमिन पाउडर लिए थे, सब डाल देंगे। इनसे जो है केक थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देगा खाने में और बहुत टेस्ट भी केक का बढ़ जाएगा। मैंने कोई भी एसेंस से वनीला एसेंस कुछ भी नहीं डाला हुआ है। अब हम केक टिन ले लेंगे। केक टिन मैंने बटर पेपर लगा के, ऑयल लगा के, ग्रीस करके अच्छे से रेडी करके पहले से रख रखी थी। लगभग सभी को केक टिन रेडी करना तो आता ही है। अब बैटर हम डाल देंगे केक टिन में। केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लीजिए जिससे बैटर एक जैसा पूरे केक टिन में फैल जाए। अब यहाँ पर हम कटे हुए जो बादाम रखे थे उनको हम सजा देते हैं केक के ऊपर फटाफट से, जिससे हमारा केक बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखिए मैंने लगा दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने पहले से ही भगोने में नमक डाल के प्री हीट होने के लिए गैस पे रख दिया था। इसको प्री हीट होने के लिए 10 मिनट लगा है। कढ़ाई में मैंने भगोना रखा है। अब इसमें स्टैंड लगा देंगे और केक टिन को सावधानी से रख देंगे और इसे ढक देंगे। इसे 40 मिनट होने तक पकाएंगे। 40 मिनट बाद हम अपने केक को चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई में केक को रखा हुआ है, जिससे हमारा भगोना स्टील का है, जिससे भगोना हमारा जले नहीं। ये देखिए, यहाँ पर अब हम खोल के केक को चेक करते हैं पूरे 40 मिनट बाद। केक का कलर तो बहुत बढ़िया आया है। चलिए अब इसको टूथ पिक से चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा बेक होना बाकी रह गया है क्योंकि टूथपिक क्लीन नहीं निकल रही। अब इसे 10 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं। 10 मिनट बाद फिर इसे हम खोलते हैं। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। केक टिन को आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, केक टिन हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे चारों ओर चाकू से निकाल देंगे और फिर प्लेट में पलट देंगे। ये देखिए, केक हमारा कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। तुरंत ही मतलब केक टिन को छोड़ दिया है, कहीं भी जरा भी न चिपका न कुछ हुआ। देख रहे हैं केक हमारा कितना फ्लफी, स्पंजी और दिखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये देखिए केक, आप पास से देखिए केक कितना सुंदर दिख रहा है। तो बताइएगा ज़रूर कि केक की यह रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, जो पूरी तरीके से हेल्दी और सुपर टेस्टी बनके रेडी हुआ है। प्लीज़ इस केक की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।